टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मुंब्रा के बाबाजी पाटिल स्कूल के पास आज एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है। इस कैंप का आयोजन डिजिटल महाराष्ट्र संगठन के प्रजक्ता शिर्के और मुंब्रा युवा संगठन की तरफ से किया गया था और इसमें सहभाग राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का है। इस कैंप में बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और यहां पर रक्तदान कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस तरह के रक्तदान कैंप का आयोजन मुंब्रा शहर में अब तक कई जगह पर हो चुके हैं, जहां पर लोग बड़ी संख्या में इस कैंप में पहुँच कर रक्तदान करते हैं। इसी तरह से आज भी मुंब्रा के बाबा जी पाटिल स्कूल के पास रक्तदान कैंप का आयोजन किया गया, जहां लोग पहुंचे और रक्तदान किए। क्या नाम है आपका सर? जी मेरा नाम है राजू नाडेकर। आज यहां पर ब्लड डोनेशन का कैंप रखा गया है, कौन से संस्था की तरफ से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और अभी तक कितने लोगों ने यहाँ पर ब्लड डोनेशन किया है? जो अभी मुंब्रा में जो अपना ब्लड डोनेट का जो कार्यक्रम चल रहा है वो चल रहा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इनसे प्रेरित मुंब्रा युवा सेवा संस्था, डिजिटल महाराष्ट्र सामाजिक संस्था और कई वामनराव रक्तपेढ़ी पेट, इनके तरफ से ये हम कार्यक्रम ले रहे हैं। और अभी तक हमने 20-25 यूनिट जमा किए और हमारा टारगेट है 50 तक हम कर सकते हैं, उस तरह से प्रयास हम कर रहे हैं अभी। सर अक्सर देखा जाता है ब्लड डोनेशन का कैंप लगता है लेकिन लोगों को जो है ब्लड की जब जरूरत पड़ती है उस वक्त लोगों को काफ़ी तकलीफों का भी सामना करना पड़ता है, तो आप लोगों की जो संस्था है ये लोगों को किस तरह से ब्लड जो है मुहैया कराती है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने, ये बहुत अच्छा सवाल किया है। जो आप बोले उसके ऊपर हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे अगर हमारे संस्था को किसी का फ़ोन आता है तो हम उसी ताबड़तोब, जैसे उनको अगर 1 घंटे में चाहे 2 घंटे जाए, उसी टाइम हम हमारे उस ब्लड डोनेट का हम ब्लड का हम अरेंज कर देते हैं। और ये जितना निःशुल्क और जितना कम से कम शुल्क में हुआ वही हम प्रयास करते हैं कि कोई पेशेंट को और किसी पेरेंट्स को या किसी व्यक्ति को इसकी तकलीफ ना हो। ज़्यादातर लोगों में ये भी देखा जाता है कि ब्लड डोनेशन को लेकर उनके मन में दिल में एक चिंता रहती है कि हम ब्लड डोनेशन नहीं करेंगे, लेकिन जानकारी के मुताबिक ब्लड डोनेशन करना चाहिए, काफ़ी अच्छा भी होता है, तो ऐसे लोगों से आप क्या बोलते हैं? देखिए, एक जो ब्लड डोनेट करने वाले के मन में जो शंका है वो जाहिर से होनी चाहिए, लेकिन ब्लड ऐसा चीज़ है जो खाली अपने शरीर में तैयार होता है, इसकी कोई फैक्ट्री नहीं है। अगर आप ब्लड देते हो तो ब्लड देने से आपका कुछ नुकसान नहीं होता, वो कुछ 2-3 दिन में आपका कवर हो जाता है और बहुत अच्छे शारीरिक फायदे भी है उसके, तो ब्लड देना चाहिए सबको।